Hello friends. आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल तो दोस्तों आज हमारी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है जेके एस एस बी की फॉर द वी एल डब्ल्यू एंड एफ डबल ए उसमें हम कुछ एम सी की यूज़ करेंगे कंप्यूटर के हमने पूरी प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है इसकी आप वहाँ पर जाके दूसरी पुरानी वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हो ठीक है दोस्तों तो आज के सेशन में हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी है ये आपके एग्जाम में सीधा ट्राई कर सकते हैं आपने पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक बीस क्वेश्चन हमने लिए हैं और इसमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अगर आपको चैनल अच्छा पसंद आ रहा है दोस्तों अगर आपको लगता है हम आपको कुछ वैल्यू का प्रोवाइड कर रहे हैं सो प्लीज चैनल को लाइक like करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा अब से उनको ज्वाइन कर ले ज्वाइन कर लेना ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके द एक कंप्यूटर डेट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब सर्वर वेब क्लाइंट वेब डाटा बेस ऑडी नन ऑफ द अबव सो इसको पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए फिर आंसर मैच कीजिए दोस्तों ठीक है तो इसका सही आंसर होता है ए वेब सर्वर होता है ये वो कंप्यूटर होता है विच इज़ यूज टू तो स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर इन द इंटरनेट ठीक है वेब सर्वर कहते हैं उसको ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इनवैलिड ये एक मतलब आप लगा लो कि इन्वर्टर काम में है इनवैलिड invalid, invalid domain डोमेन नेम इज़ अ टाइप ऑफ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन और डी टेस्ट टॉप लेवल डोमेन सो इसका सही आंसर होगा इट्स डी टेस्ट लेवल टॉप डोमेन अच्छा जी डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों अगर सपोज एक आप किसी वेबसाइट पे जाते हो एक्स बाइज डॉट कॉम तो डोमेन नेम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो जो डॉट कॉम होता है डोमेन नेम होता है एक्सवाइजर डॉट कॉम ठीक है ये पूरा डोमेन नेम होता है इसकी वजह से क्या होता है अगर आपको इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स पे जाना है किसी भी वेबसाइट पे जाना है आप विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम की फॉर्म से जा सकते हो ठीक है डिफरेंट टाइप्स के डोमेन नेम होते हैं अभी हम देखते हैं आगे देखिए अगर आपने किसी कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है इन द इंटरनेट तो आप डोमेन नेम का यूज़ करते हो ठीक है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है तो डिफरेंट टाइप्स के डोमेन नेम देख लेते हैं पहला आ गया टॉप लेवल डोमेन नेम दो जेनरिक इसमें आ गया पहला जेनरिक टॉप लेवल डोमेन ये कॉमन टाइप के डोमेन नेम एक्सटेंशन होती हैं और इसमें कुछ फीमिलियर ऑप्शन होते हैं लाइक जैसे एक्स बाई जेड डॉट कॉम हो गया डॉट ओ आर जी हो गया डॉट नेट हो गया ठीक है ये सारे के सारे डोमेन नेम को हम जेनरिक टॉप लेवल डोमेन कहते हैं ठीक है दे दे ये किसी भी द्वारा कोई भी इनको रजिस्टर कर सकता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन को और जो कंट्री को टॉप लेवल डोमेन होते हैं दोस्तों उनकी वेबसाइट में लास्ट में जाके लिख दिया जाता है अगर यूएस का होगा तो डॉट यू लिख देगा अगर यूके का होगा डॉट यू और कनाडा का होगा डॉट सी ठीक है जैसे एक्स बाइज डॉट यू के इसका ये मतलब होगा कि ये वेबसाइट यू के बेस्ड है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है ठीक है और इसी तरीके से ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं दोस्तों जो सेकेंड लेवल डोमेन होते हैं दिस आर द मेन पार्ट ऑफ डोमेन नेम अपेयरिंग टू द लेफ्ट ऑफ टॉप लेवल डोमेन जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एक लें एग्जाम्पल डॉट कॉम जो एग्ज़ाम्पल होगा ना वो सेकंड लेवल डोमेन है और जो डॉट कॉम होगा वो ये वाला होगा टॉप लेवल डोमेन ठीक है जी जो डॉट कॉम के ये आ गई टॉप लेवल डोमेन हो गया जेनरिक हो गया उसके जो पहले हो गए लेफ्ट साइड लिखोगे सेकेंड लेवल डोमेन कहते हैं इसको ठीक है और आगे वो टाइप के पढ़ते हैं दोस्तों सब डोमेन होता है ये जो प्रीफिक्सेस ऐड किए जाते हैं ना डोमेन नेम के पहले यूनिक वेब एड्रेस करने के लिए उनको सब डोमेन कहा जाता है जैसे कि ब्लॉग डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम हो गया एग्जाम्पल आपका हो गया सेकेंड लेवल डोमेन डॉट कॉम आ गया आपका जेनरिक टॉप लेवल डोमेन उसके जाके जो ब्लॉक लगा है ना दोस्तों सब डोमेन आ जाएगा ठीक है जो इसके पहले सेकेंड लेवल डोमेन के पहले लगा है उसको सब डोमेन कहा जाता है ओके और इंटरनेशनलाइज डोमेम सिस्टम होते हैं दोस्तों अगर कुछ लेटिन स्क्रिप्ट में अगर आपको कुछ लिखना है ठीक है तो इंटरनेट अलाओ करता है कि आप उसका डोमेन नेम भी ले सकते हो जैसे कि ए डोमेम इन चाइनीज़ वुड बी एन ओके okay. आगे आगे दोस्तों स्पेशल यूज डोमेन नेम्स ये जो डोमेन नेम होते हैं ये रिजर्व किए जाते हैं फॉर स्पेसिफ़िक पर्पसेस जैसे कि एग्जांपल डॉट लोकल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो ये जो डोमेन नेम होगा डॉट लोकल जिसमें लगा हुआ है इट विल बी यूज फॉर द नेटवर्क यूज़ एंड जैसे एग्जाम्पल डॉट टेस्ट आ गया ये यूज़ होगा फॉर टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन परपज़ के लिए ठीक है आगे आ गया ब्रांड एंड वैनिटी डोमेन दोस्तों ये जो डोमेन होते हैं मार्केटिंग परपजेज़ के लिए बनाए जाते हैं ओके okay, तो इनमें यूनिक और मेमोरेबल वेबसाइट एड्रेस बनाए जाते हैं ब्रांड एंड वेनिफ्री डोमेन में आगे आ गया प्रीमियम डोमेन दोस्तों ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं कैची होते हैं और मेमोरेबल डोमेनियम्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं परचेस करने के लिए उनका प्राइस ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि उनकी प्रिजीव्ड प्रिसीव वैल्यू होती है ठीक है प्रीमियम डोमेन यानी कि आप इनको परचेज करके यूज़ कर सकते हो प्रीमियम डोमेन्स को आगे आ गया दोस्तों रिजर्व डोमेन्स कुछ डोमेन डोमेम रिजर्व रखे जाते हैं किसके द्वारा बाय इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी आई द्वारा ठीक है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर द वेरियस रीजन जैसे कि टेक्निकल स्टेबिलिटी और नेमिंग कन्वेंशन के लिए कुछ डोमेन रिजर्व किए जाते हैं किसके द्वारा इंटरनेट असाइंड एंड नंबर अथॉरिटी ओके जेनरिक डोमेन होते हैं दोस्तों ये जेनरिक डोमेन हो गए जैसे डॉट ऐप डॉट ब्लॉग डॉट गुरु करके जेनरिक डोमेन होते हैं दे आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेबसाइट और एप्लीकेशन और दोस्तों लास्ट में स्पॉन्सर डोमेन आगे देस आर स्पेशलाइज्ड जेनरिक टॉप लेवल डोमेन डेट आर स्पॉन्सर्ड बाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड रजिस्ट्रेशन में भी रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज यानी कि अगर कुछ कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज को डोमेम देना है तो स्पॉसर्ड डोमेम दिया जाता है ठीक है तो एग्जाम्पल जैसे डॉट जी ओ वी हो गया इज रिस्ट्रिक्टेड टू यू एस गवर्नमेंट एंड तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के डोमे नेम होते हैं आप इसको एक बार देख लेना पढ़ लेना अच्छे से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर फुल फॉर्म पूछे दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल डी ए पी लाइट वेट डाटा एक्सेस प्रोटोकॉल लाइट वेट डिवाइस एक्सेस प्रोटोकॉल और लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल और डी लाइट वेट डायरेक्टर एक्सेस प्रोटोकॉल सो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक है एल डी ए पी की सही फुल फॉर्म होगी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सफारी करके एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा बनाया गया है दैट इज द क्वेश्चन सफारी इज वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डिवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट मोजिला एप्पल और डी गूगल सो इसका सही आंसर होगा जो सफारी है इट इज डेवलप्ड बाई द एप्पल ठीक है एप्पल द्वारा ये वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है एप्पल ने बनाए थे ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फुल फॉर्म पूछी है अर्पा नेट की आर पी एन ई टी अर्पानेट इसकी फुल फॉर्म पूछी है पहला होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बी एक्सेप्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क सी अरकाइड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और डी असाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क सो इसका सही आंसर होगा अर्पानेट का फुल फॉर्म होगी इसकी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और राइट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये फुल फॉर्म होती है अर्पानेट के चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छा एम आई एम ई की फुल फॉर्म पूछी है एम आई एम ई की ए मल्टीपर्पज मेमोरी मेल एक्सटेंशन बी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सी मल्टी मीडिया इंटरनेट मेमोरी एक्सटेंशन और डी मल्टी मीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सो इसका सही आंसर हो गया उसकी जो फुल फॉर्म एब्रीवेशन होती है माइम की इट इज बी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन डैट इज द करेक्ट ऑप्शन ओके ऑप्शन नंबर बी माइम की मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोड्स विंडो इन द क्रोम ब्राउजर यानी कि अगर आपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोला है या लैपटॉप में गूगल क्रोम खोला है इनमें से कौन सा बटन प्रेस करके हमको सीधा डाउनलोड विंडोज आ जाएंगी यानी कि आपको माउस के थ्रू उसको ड्रैग करके वहाँ ओपन ही करना पड़ेगा इनमें से किस बटन को दोगे तो सीधा डाउनलोड विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है गूगल क्रोम में पूछे तो गूगल क्रोम में क्रोम ब्राउजर ए आल्ट प्लस डी बी आल्ट प्लस जे सी कंट्रोल प्लस जे और डी कंट्रोल प्लस डी सो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी कंट्रोल प्लस जे अगर इसको बटन को हम सीधा दबाएंगे ना कंट्रोल प्लस जे तो आपकी जो डाउनलोड वाली सेक्शन है इन द गूगल क्रोम वो सीधा ओपन हो जाएगी ठीक है कंट्रोल प्लस जे को चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छा विच ऑफ द फॉलिंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस जो वेब पेजेस लिखने के लिए जहाँ से आप अपना इंटरनेट एक्सेस करते हो उसको लिखने के लिए दोस्तों कौन सी इनमें से यूज होता है ठीक है इनमें से क्या यूज़ होता है ए एच टी एम एल बी एफ टी पी सी एच टी टी पी और डी यू आर एल सो इसका सही आंसर होगा जो वेब पेज लिखने के लिए जो यूज़ होते हैं दोस्तों इट इज़ एच टी एम एल एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ठीक है ये जो यूज़ होता है ये इंटरनेट में वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है हाइपर टेक्सट हाइपर टेक्सट मार्कअप लेंगे एच टी एम एल का एफ टी पी क्या होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ठीक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेज सकते हो इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसका एफ टी पी का एच टी टी पी क्या होता है दोस्तों इट इज़ हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ठीक है ये भी वेब पेजेस में यूज़ होता है इंटरनेट में डी यू आर एल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अगर आपको इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसका सीधा ये हेल्प करता है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उस वेबसाइट को उस वेबसाइट तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा ठीक है यूआरएल ओके एच टी एम एल स्टैंड फॉर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी हाईपर टेक्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड यू आल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन द इंटरनेट ऑल राइट सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इनमें से अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर इनमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है क्रोम सफारी पांडा और डी फायरफॉक्स सो इसका सही आंसर हो गया सी पांडा दोस्तों कोई इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बाकी तीनों ठीक है क्रोम भी है सफारी भी है फायरफॉक्स भी है मोजिला फायरफॉक्स आपने सुना होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज अक्रॉस द इंटरनेट फॉर स्पेशली टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन सच एज वीडियो प्लेबैक और डीएनएस लुकअप्स दोस्तों पूछा इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे यूज होता है किसके लिए फॉर टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन के लिए जैसे कि वीडियो प्लेबैक करना हो या डी लुकअप्स करना हो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूजर डाटाग्रम प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी टेलनेट सो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल ठीक है ये यूज हो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर इस पर्पस के लिए एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताया मैंने आपको एफ टी पी ही किसके लिए यूज़ होता है अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करनी हो उसके लिए होता यूज़ होता है ठीक है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों यूज होता है दोस्तों ई मेल में ईमेल में यूज होते हैं एसएमटीपी ठीक है और टेलनेट भी लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जहाँ पे आप किसी दूसरी जगह से अपने कंप्यूटर सोर्स को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द टेलनेट ऑलराइट सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी दूसरा अगला क्वेश्चन है डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव द ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर ए आई मैप फोर बी टी सी पी सी एच टी पी फाइव और डी टी सी पी थ्री पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज टू रिसीव द ई मेल्स फ्राम द मेल सर्वर आई मैफ फोर टी सी पी एच टी पी फाइव और टी टी सी पी थ्री तो जो फोर लगा है फाइव लगा है, थ्री लगा है ना ये वर्जन होते हैं बेसिकली ठीक है दीज आर वर्जनस ओके तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा इट्स ए आई मैप फोर ठीक है ये इसका आंसर सही होगा इट्स ए आई मैप फोर टी सी पी बताए ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एस सी टी पी प्रोटोकॉल टी सी पी थ्री अगेन टी सी पी थ्री वर्जन थर्ड है ठीक है इसका सही आंसर होगा इस आई मैप एफ फोर दोस्तों क्या होता है आई मैप फोर की एब्रिविएशन क्या होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन फोर देखिए स्टैंडर्ड ई मेल प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल मैसेज को रिसीव और स्टोर करता है ऑन द मेल सर्वर ठीक है आई मैप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो क्या करते हो जो ईमेल क्लाइंट होते ना वो सीधा अपनी ईमेल मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिमोट मेल सर्वर के थ्रू और उन फिर उनको मैनेज कर सकते हैं मैसेजेस को विदाउट नेसेसरी डाउनलोडिंग देम टू लोकल डिवाइस यानी कि आप किसी दूसरे ईमेल को सीधा एक्सेस कर सकते हो उनको डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है ठीक है ठीक होती है ठीक है सीधा एक्सेस उनको कर सकते हो लेकिन दोस्तों जो पीओपी पी प्रोटोकॉल है ना ये भी ईमेल से ईमेल से रिलेट करता है जिसका नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये थोड़ा सा उल्टा होता है आई मैप से इसमें आपको क्या होता है पहले आपको जो मेल होती है उसको डाउनलोड करना पड़ता है मैसेजेस को लोकल डिवाइस में उसके बाद आप उसको सर्वर से रिमोट कर रिमो करते हो लेकिन आई मैप में आप सीधा ही उसको एक्सेस कर सकते हो डाउनलोड की नीड नहीं पड़ती है इन द लोकल डिवाइस में ठीक है जी हाँ तो ध्यान रखना है इसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पूछ रहे गूगल इज विच टाइप ऑफ द सर्च इंजन हाइब्रिड ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज क्रॉलर बेस्ड और डी नन ऑफ द अब सो इसका सही आंसर होगा गूगल इज विच टाइप ऑफ सर्च इंजन इट्स सी क्रॉलर बेस्ड ठीक है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है गूगल ध्यान रखना है इसको याद कर लेना एक क्रॉलर बेस्ड वेब सर्च इंजन इसको ओ, कहा जाता है वेब क्रॉलर और स्पाइडर बेस्ड सर्च इंजन एक टाइप का ऐसा सर्च इंजन है जो कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जिन कॉल्ड वेब क्रॉलर्स और स्पाइडर को यूज़ करता है टू ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू को ब्राउज करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकता है इंडेक्स वेब पेजेस एंड प्रोवाइड यूज विद सर्च रिजल्ट ठीक है याद रखना है गूगल इज क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन डेट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर चलिए अगला देखते हैं दोस्तों so, अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज इन द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज टी सी पी आई पी जावा एच टी एम एल ओडी फ्लैश तो इसका सही आंसर होगा टी सी पी स्लैश आई पी इज द करेक्ट आंसर विद टी सी पी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आई पी स्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉट कॉम इन यू आर एल इज हाई लेवल डोमेन टॉप लेवल डोमेन टेस्ट लेवल डोमेन और डी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल डोमेन सो इसका सही आंसर होगा इट्स बी टॉप लेवल डोमेन दोस्तों इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में तो वहाँ से आप देख सकते हो डॉट कॉम जो है ये जेनरिक जी टी डी एल होगा बेसिकली जी टी डी एल जेनरिक टॉप लेवल टी एल डी सॉरी टॉप लेवल जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होगा ठीक है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होते हैं टॉप लेवल डोमेन पाए जैसे डॉट कॉम हो गया डॉट ओ आर जी हो गया ये सारे डॉट कॉम हो गया डॉट ओ आर जी कमर्शियल वगैरह ये सारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं ऑलराइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तो जो अनसोलिक्टेड ई ई मेल होती हैं इसको यूजली क्या कहा जाता है बल्क स्पैम वायरल और ट्रैश सो इसको कहा जाता है बी स्पैम कहा जाता है ठीक है जो काफी सारी ई मेल्स आपको स्पॉन्सर्ड ई मेल आती रहती हैं वो सारी को स्पैम कहा जाता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ई मेल एड्रेस सिस्टम नेम डोमेन नेम यूजर नेम और डी एट सिम्बल सो पूछा इनमें से कौन सा कौन सा जो कंपोनेंट है वो उसका ईमेल का ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है सिस्टम नेम डोमेन नेम यूज़र नेम सिंबल नेम सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स ए सिस्टम नेम ठीक है बाकी तीनों पार्ट होते हैं जैसे कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं आपको एक्स बाई जेड एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है जो एक्स बाई जेड होता है दोस्तों ये यूज़र नेम होता है ठीक है यहाँ पे कोई भी आप अपना नाम लिख सकते हो कोई भी होते हैं तो एक्स बाई जेड इट्स यूजर नेम एट जो आ गया ये सिंबल आ गया जी मेल डॉट कॉम आ गया ये डोमेन नेम आ गया ठीक है तो बेसिकली देखा जाए तो एक ई मेल में दो पार्ट्स होते हैं एक आपका यूज़र नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है ठीक है दो पार्ट्स होते हैं मेल में ऑलराइट और अगर आप सिंपल को भी इंक्लूड कर दो तो तीन पार्ट्स हो जाएंगे तो सिस्टम नेम कहीं नहीं आता देखो डोमेन ने मारा है इसमें यूजर ने मारा है सिंबल भी आ रहा है पर सिस्टम कहीं नहीं आ रहा है तो इसलिए सिस्टम नेम इसका मेल का पार्ट नहीं होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए और एन डैश अपीयरिंग वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक एंकर यूआरएल हाइपरलिंक और रेफरेंस सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी हाइपरलिंक अगर कोई भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर आपको ब्लू फॉर्म में दिखता होगा वहां पे माउस से भी क्लिक हो जाता है वो जो चीजें होती तो हैं उनको हाइपर लिंक कहा जाता है अगर आप उसको क्लिक करते हो तो सीधा दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाओगे ठीक है तो इसको हाइपर लिंक कहा जाता है ओके चलिए अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेट ऑफ द यू आर एल स्कीम सब डोमेन क्वेरी स्ट्रिंग और ओडी ऑल ऑफ द अबव तो दोस्तों जो यू आर एल के कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं सारे ही कॉम्पोनेंट होते हैं ऑल ऑफ द अबव स्कीम भी होती है सब डोमेन क्वेरी स्ट्रिंग ये तीनों ही होते हैं यू आर एल के ठीक है यू आर एल मैंने बताया अगर आपको इंटरनेट पर किसी चीज़ को एक्सेस करना है आप यू आर एल के थ्रू उसको लोकेट कर सकते हैं ये आपको किसी पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट पर लेके जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा दोस्तों जो मेन कॉम्पोनेंट होते हैं यू आर एल के वो हैं स्कीम स्कीम इट इज अ प्रोटोकॉल और मेथड यूज टू एक्सेस द रिसोर्स कॉमन स्कीम सच एच टी टी पी एच टी टी पी एस ठीक है जैसे ये हो गए ना दोस्तों इनको हम स्कीम कहते हैं जैसे जो शुरुआत में होते हैं एच टी टी पी वो स्कीम कहा जाता है यू आर एल का उसके बाद डोमेन आता है डोमेन में दोस्तों या तो एक आई पी एड्रेस हो सकता है जैसे कि वन नाइनटी टू पॉइंट जीरो टू ये हो गया या फिर एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम हो सकता है जैसे कि डब्ल्यू 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 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम ठीक है ये सारा डोमेन नेम आ जाएगा डोमेन आ जाएगा स्कीम में अब आपको बताया एच टी टी पी अगर आप कभी वेबसाइट देखते हो ना तो वहाँ पे देखते

विच ऑर द फॉलोइंग की बोर्ड शॉर्टकट्स कैन बी यूज टू शो और हाइड द बुक मार्क बार इन द गूगल क्रोम आल्ट प्लस कंट्रोल के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी तो पूछ रहे दोस्तों इनमें से कौन सा शॉर्टकट है जो कि शो और हाइड करेगा बुक मार्क्स को इन द गूगल क्रोम में तो इसका सही आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी इज यूज टू शो और हाइड द बुक मार्क्स इन द गूगल क्रोम ठीक है जी चलिए दोस्तों आज के सेशन का हमारा फाइनल क्वेश्चन है दिस सर्वर ऑफ द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड गेटवे रिपीटर होस्ट या हब सो इसका सही आंसर होगा जो सर्वर होता है इंटरनेट का उसको हम होस्ट भी कहते हैं एच ओ एस टी होस्ट ठीक है होस्ट कहा जाता है उसको ओलाइट चलिए दोस्तों आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं बाकी आप चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब पक्का करो और इसी तरीके से हम वैल्यू कॉन्टेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों हम कल मिलते हैं टेक केयर